999 रुपीज, मतलब 1000 रुपए के अंडर आपको वायरलेस माइक्रोफोन मिल रहा है जो आपके कंप्यूटर के साथ, एंड्रॉइड के साथ, इवन आईफोन के साथ भी काम करता है। मैंने इसको टेस्ट कराया और इसके अलावा ना 1000 रुपीज में डिजिटेक वगैरह के और भी आपको वायरलेस माइक्रोफोन मिल जाता है, चाइनीज भी मिल जाता है। और डिजिटेक वाला जो माइक्रोफोन है उसमें तो ऐसी आवाज आती है किसी ने गला दबा रखा, ऐसी दबी दबी, बिल्कुल क्रिस्प तो है ही नहीं यार, मतलब बहुत ही अजीब आवाज आती है। मतलब मेरे हिसाब से एक अच्छी वॉइस के लिए कंटेंट क्रिएटर्स को ऐसे माइक्रोफोन यूज नहीं करने चाहिए। लेकिन मैंने ये जो मंगाया है ना, बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, खुद मंगाया है, और इतनी कमाल की साउंड क्वालिटी मिलती है ना, काफी कमाल की। साथ में आपको वन टैप नॉइस कैंसिलेशन का बटन मिल जाएगा, उसको भी हम टेस्ट करने वाले हैं। देखो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊं ना, सिंपल सा बॉक्स है जैसे कि बाकी माइक्रोफोन्स आते हैं वायरलेस वाले, कुछ पेपर्स मिल जाते हैं और कुछ स्टिकर्स मिल जाता है, और ये माइक्रोफोन हमारा इस तरह से रखा है, मतलब हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर रखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर एक्सेसरीज के नाम पर आपको चार्ज करने के लिए एक टाइप सी केबल मिल जाती है। देखो ये जो रिसीवर है ना, यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, मतलब ये आप अपने आईफोन में भी लगा सकते हो, आईफोन 15 सीरीज या उससे ऊपर में, और अपने एंड्रॉइड फोन में भी लगा सकते हो। यहाँ पर आपको LED इंडिकेटर मिल जाएगा जिससे पता चल जाएगा पावर ऑन हो चुका है, और इसमें कोई बैटरी वगैरह नहीं है, डायरेक्टली जब आप इसको अपने स्मार्टफोन में प्लग इन करेंगे वो उसी से पावर लेना शुरू कर देता है। बाकी यहां पर एक और टाइप सी पोर्ट मिलेगा, अगर आपका फोन डाउन है तो आप अपने फोन को चार्ज भी कर सकते हो और माइक्रोफोन को यूज भी कर सकते हैं, बाईपास चार्जिंग इसमें मिल जाती है। बाकी ये ट्रांसमीटर कुछ इस तरह का दिखता है, यहाँ पर इनकी ब्रांडिंग दे रखी है, यहाँ पर भी LED इंडिकेटर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा उसको चार्ज करने के लिए, और ये क्लिप जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिलती है, और नीचे ना इन्होंने पिन दे रखी है, ये भी चार्जिंग की है, मतलब इसका जो केस वाला वेरियंट आता है जिसमें केस में रख के चार्ज हो जाता है उसमें ये यहाँ से पिन से चार्ज हो जाता है। यहाँ पर इसका पावर ऑन ऑफ का बटन है और यही नॉइस कैंसिलेशन का बटन है। अब ये जो इसका साइड बटन है मल्टी फंक्शनेबल है, डबल क्लिक करोगे तो इनके एप्लीकेशन से फोटोज वगैरह भी क्लिक कर सकते हो, सिंगल क्लिक करूंगा तो नॉइस कैंसिलेशन ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे इसको पावर ऑन करेंगे तो ग्रीन लाइट यहाँ पर दिखेगी, ग्रीन लाइट यहाँ पर दिखेगी, इसका मतलब जो है ये माइक्रोफोन ऑन है। और इसको अगर आपको नॉइस कैंसिलेशन मोड पर ले जाना है तो इसको सिंगल क्लिक करना होगा और इसके बाद ही हमारा नॉइस कैंसिलेशन पर जा चुका है। अभी इसके साउंड की क्वालिटी टेस्ट करवा रहा हूँ, एंड्रॉइड में मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है और ये ब्लू लाइट चल रही है, ब्लू का मतलब है नॉइस कैंसिलेशन ऑन है। नॉइस कैंसिलेशन में आप बैकग्राउंड नॉइस सुन के देखो, नॉइस कैंसिलेशन आपने चेक कर ली होगी। एक बार ना इसको मैं टैप कर देता हूँ, अभी देख सकते हो ग्रीन कलर में जा चुका है। अब ग्रीन कलर का मतलब है कि हमारी नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है और ये नॉर्मल मोड है। नॉर्मल मोड में आप साउंड सुनो कैसी मिल रही है और बैकग्राउंड नॉइस सुन के देखना। अब मैंने इसको अपना iPhone 15 Plus से कनेक्ट कर दिया है और देखो ब्लू लाइट दिख रहा है। ब्लू लाइट का मतलब है मैंने नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर रखा है। नॉइस कैंसिलेशन ऑन पर आपको नॉइस कैंसिलेशन कैसे मिलती है, बैकग्राउंड की नॉइस सुन के देखो। अभी आपने नॉइस कैंसिलेशन सुन ली और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ स्विच ग्रीन पर। ग्रीन का मतलब है नॉर्मल मोड है और नॉर्मल मोड पर आप सुन सकते हो किस तरह के आईफोन में आपको डिफॉल्ट कैमरे में साउंड मिलती है। और यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना है, जो नॉइस कैंसिलेशन करते हैं ना ब्लू कलर की, वो बहुत ना ज्यादा प्रोसेस्ड साउंड लगती है। तो अगर आप आउटडोर में शूट नहीं कर रहे हो ना, आप इनडोर में कर रहे हो, ज्यादा नॉइस नहीं है, थोड़ी बहुत ही नॉइस है, वो भाई आफ्टर आप प्रोसेसिंग में एडिट कर सकते हो एडिटिंग के टाइम पर। लेकिन नॉइस कैंसिलेशन जब ही यूज करना है, जब आप आउटडोर में बहुत ज्यादा नॉइस है तो आपको रिकॉर्डिंग के टाइम पर ही नॉइस को कैंसिल करना है ताकि एडिटिंग के टाइम पर आसान रहे और बेटर रिजल्ट्स मिले। और यहाँ पर आप नॉर्मल मोड में सुन सकते हो कितनी अच्छी आपको आवाज मिल रही है। अभी मैं चुप हो रहा हूं, इसमें आप नॉइस कैंसिलेशन सुन के देखना। अभी देखो यार, मैं रोड साइड रहता हूँ, बहुत तेज से ना एक बाइक गई है, उसकी थोड़ी सी साउंड आपको सुनाई दे रही होगी, दिख रही होगी, बोल रहा हूँ। और एक चीज और है, इतनी तो नॉइस आप जो है एडिटिंग के टाइम पर सही कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप ग्रीन लाइट पर ही शूट करना अगर बहुत ज्यादा नॉइस नहीं है और आप इंडोर में शूट कर रहे हो तो। अब देखो आउटडोर की बात चली रही थी ना, बिल्कुल रोड साइड पर हूँ, काफी ज्यादा ना आवाज आ रही होगी, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस, और ये मैं आईफोन से आपको शूट करके दिखा रहा हूँ। नॉइस कैंसिलेशन मेरा ऑन है, मतलब ब्लू लाइट है, और यहाँ पर देख सकते हो किस तरह की साउंड मिल रही है। तो अभी मैं चुप हो रहा हूँ, नॉइस कैंसिलेशन में आप बैकग्राउंड नॉइस सुन के देखो। अभी मैं नॉइस कैंसिलेशन को ऑफ कर देता हूँ और अभी जो है ग्रीन लाइट में स्विच हो चुका है। ग्रीन लाइट में किस तरह की मेरी आवाज आ रही है वो आप लोग सुन सकते हो, किस तरह की मिल रही है। अभी मैं चुप हो रहा हूँ और ग्रीन लाइट में किस तरह की आपको बैकग्राउंड नॉइस मिलती है वो सुन के देखना। तो
तो अभी हम इसकी रेंज को टेस्ट करने वाले हैं। अभी मैं लगभग हूँ 10 फीट दूर, और 10 फीट दूर कुछ इस तरह की साउंड क्वालिटी मिल रही है। नॉइस कैंसिलेशन मैंने ऑफ कर रखा है ताकि ज़्यादा प्रोसेसिंग इसको ना करनी पड़े। तो अभी मैं बोलता जा रहा हूँ और मैं थोड़ा कम बोल रहा हूँ, तो इस तरह की साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलती है। और मैं काफ़ी कम बोलने की ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मैं भाई इंट्रोवर्ट हूँ और मैं अभी काफ़ी दूर आ चुका हूँ। तो अभी मैं लगभग 50 फीट दूर हूँ, 50 फीट दूर पर कुछ इस तरह की साउंड मिल रही है। ज़्यादा मैं लाउडली नहीं बोल रहा हूँ, इस तरह की साउंड क्वालिटी मिलती है। और मैं थोड़ा और दूर जाऊँ तो लगभग मैं जा चुका हूँ 55 फीट दूर कुछ इस तरह की आपको साउंड मिलती है। और अभी मैं वापस आ रहा हूँ और मैं बॉडी लाता हूँ, बीच में बॉडी आ जाती है तो आपको आवाज़ आएगी या फिर नहीं वो मुझे कमेंट में बता देना, या ब्रेक हो रही है वो मुझे एडिटिंग के टाइम पर पता चलेगा। तो अभी मैं 40 फीट दूर हूँ और 40 फीट दूर में कुछ इस तरह की आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। बीच में मैं फिर से घूम जाता हूँ और बीच में मेरी बॉडी आ गई है और ट्रांसमिशन में कोई यहाँ पर इंटरप्शन आ रहा है या फिर नहीं वो हमें एडिटिंग में पता चलेगा। बाकी आप लोग चेक कर सकते हो किस तरह की आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। और भाई हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही है, आपको ना काफ़ी ज़्यादा फटी फटी और अजीब सी आवाज़ आ रही होगी हवा की वजह से। तो इस माइक्रोफोन के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। और ये माइक्रोफोन जो आता है ना केस के साथ भी मिल जाएगा और डुअल ट्रांसमीटर के साथ भी आता है, तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको कैसा लगा माइक्रोफोन नीचे कमेंट में बता देना। ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दर बदर।